तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग क्या है, ऑप्शन बाइंग के क्या फायदे हैं, ऑप्शन सेलिंग के क्या फायदे, हम क्या करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग एक दोनों एक अलग अलग पार्ट है। आपको मालूम ही होगा कि ऑप्शन सेलिंग के लिए ज्यादा कैपिटल लगता है और ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही कम कैपिटल लगता है। लेकिन मैं आपको प्रॉफिट के नजरिए से बताऊं तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें ऑप्शन बाइंग ही देता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होते हैं वो लाखों रुपए जुटा कर चिल्लर जमा करते हैं, और जो ऑप्शन बायर होता है वो चिल्लर से लाखों रुपए कमा सकता है। तो हर एक की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, हर एक का एक अलग डे होता है। हम किस टाइप में कौन सा ऑप्शन बाइंग करें, ऑप्शन सेलिंग करें, इसका भी हमें एक अंदाजा होना चाहिए। हम नॉर्मल डे में, मतलब जब मार्केट सर्वेजर होता है तो ऑप्शन सेलर ज़्यादा पैसा कमाता है, जब मार्केट ट्रेंडिंग डे होता है तो ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसा कमाता है। तो दोस्तों ऑप्शन बायर भी पैसा कमा सकता है, ऐसे कुछ कोई बड़े बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ऑप्शन सेलर से मार्केट में पैसे बनाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मार्केट ट्रेंडिंग में डाउनसाइड या होता है या अपसाइड होता है तो सिर्फ ऑप्शन बायर ही पैसा कमा सकता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर जो होता है जो वो अपने प्रीमियम जो होते हैं वो सेल करके रखते हैं। मतलब जो कॉल का प्रीमियम होता है उसे से वो सेल करता है, जो पुट का प्रीमियम होता है उसे सेल करता है। जब मार्केट का प्रीमियम कम 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 डिगे होते रहता है तब वही मार्केट में उसे पैसा कम मिलता है, लेकिन ट्रेंडिंग डे में ऐसा नहीं होता। ट्रेंडिंग डे में जो प्रीमियम मार्केट के होते हैं वो बढ़ते रहते हैं, मतलब 100 की चीज 200 होती है, 200 की चीज 400 होती है, और जब वो ऐसे बढ़ते जाते हैं प्रीमियम तो ऑप्शन सेलर को वैसे नुकसान होता है। मतलब समझो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, समझो अगर ऑप्शन सेलर ने 100 रुपए का प्रीमियम सेल करके रखा है, 100 रुपए का समझो उसने कॉल कर प्रीमियम, उसे लगता है कि मार्केट आज सर्वेज रहेगा या नीचे जाएगा, इसलिए वो 100 रुपए का प्रीमियम कॉल का सेल करके रखता है। लेकिन मार्केट जाता है उसके अपोजिट, मार्केट जाता है रहता है ट्रेंडिंग, और 100 का प्रीमियम 200 300 400 ऐसे बढ़ते रहता है, तब मार्केट में उसका सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जब ये 100 का प्रीमियम 50 60 80 ऐसे होगा तभी मार्केट में उसको पैसा मिलता है। ये चीज तो आपको मालूम ही होगी। तो मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाते हैं ऐसे लोग क्यों कहते हैं। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर होता है वो मार्केट में लाखों रुपए कमाने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी लाखों पैसे होते हैं, वो मार्केट में आता है सिर्फ चिल्लर जमा करने के लिए। मतलब जो 2 रुपए 10 रुपए 4 रुपए के प्रीमियम होते हैं उसे वो सेल करने के लिए मार्केट में आता है, उसे ज्यादा पैसे की लालच नहीं होती, मतलब वो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कंसिस्टेंट अर्न करना चाहता है। लेकिन जो ऑप्शन बायर होते हैं, मतलब जो रिटेल ट्रेडर बिगनर ट्रेडर होते हैं जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं, तो उनको क्या लगता है मार्केट मुझे लोग रोज लाखों रुपए देना चाहिए, रोज 1000 रुपए देना चाहिए। जब वो 4000 लेके आता है तो उसे लगता है मार्केट मुझे 4000 के मुकाबले 4000, मतलब 4000 का डबल होना चाहिए मार्केट में आज मेरा, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि ऑप्शन सेलर ही मार्केट में पैसे बनाते हैं, क्योंकि मार्केट सेलर के पास एक होता है पेशेंस, एक होती है कंसिस्टेंसी, एक होती है एक मार्केट को जीतने की कला, क्योंकि उनको ज्यादा पैसे की लालच नहीं होती, वो थोड़े थोड़े पैसों में खुश रहते हैं। लेकिन ऑप्शन जो बायर होता है उनको ज्यादा पैसे की लालच होती है, वो कम पैसों में ज्यादा पैसा बनाना चाहता है। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूँ, आप अगर ऑप्शन बायर हो तो थोड़े थोड़े पैसों से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहिए, क्योंकि मार्केट में आप अगर हजार रुपये लाखों रुपये कमाना चाहोगे एक दिन में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आप अगर समझा आपका कैपिटल 1 लाख रुपये है, मैं आपको सिर्फ बताने के लिए कहता हूँ, समझा आपका कैपिटल 1 लाख रुपये है, तो ऑप्शन बायर क्या कहता है, मेरे 1 लाख रुपए में से आज 10,000 15,000 20,000 ऐसे बनने चाहिए। लेकिन आपको एक डेली प्रॉफिट का एक परसेंटेज वाइज सोचो, ऑप्शन बायर परसेंटेज वाइज नहीं सोचता, क्योंकि उनको रुपए से मतलब होता है, परसेंटेज का उनको कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन जो ऑप्शन सेलर जो होते हैं, ऑप्शन सेलर उनको परसेंटेज के हिसाब से पैसे चाहिए होते हैं, ऑप्शन बायर को जो है उनको सिर्फ आंकड़े दिखने चाहिए पैसों के, ऑप्शन उनको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं होता। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको 1 लाख के हिसाब से आपको अगर समझो 10,000 कमाते हो तो 10,000 का कितना होता है 1 लाख का, 1 लाख का 10,000 होता है, मतलब 10%। ये ऑप्शन बायर ऐसे सोचना चाहिए। और जो ऑप्शन सेलर होता है उनके पास होता है लाखों का फंड, उनके पास होता है 1 करोड़ रुपए का फंड, वो 1 करोड़ रुपए में से 1 लाख रुपए भी कमाए, 1 लाख रुपए भी कमाए तो उनको बस है, क्योंकि 1% प्रॉफिट से वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलर को 10% प्रॉफिट भी ज्यादा नहीं लगता, ऐसा होता है मार्केट में। आप परसेंटेज वाइज के मुकाबले से सोचोगे, परसेंटेज वाइज सोचोगे तो मार्केट आपको बहुत पैसा देगी, आपको कंपाउंडिंग मालूम है। एक रुपए 30 दिन में लगभग 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं, आपको ऐसे सोचना चाहिए।
मार्केट में आपको कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल बनना तभी आपको मुमकिन होगा जब आप परसेंटेज वाइज मार्केट को देखोगे। रोज रोज आपके पैसे यहाँ पर डबल नहीं होते, कुछ दिन आपका लॉस भी होगा तो भी चलेगा, क्योंकि कैसा होता है ऑप्शन सेलर जो होते लगभग 70-80% मार्केट साइडवेज दे रहता है, मतलब कुछ ही दिनों में मार्केट जो है लगभग ट्रेंडिंग दे होता है, मतलब बैंक निफ्टी के 1000 पॉइंट 1500 मूवमेंट कुछ ही दिनों में, कोई न्यूज़ आ जाए या कोई इवेंट हो तभी आती है, लेकिन बाकी के दिनों में मार्केट साइडवेज रहता है। इसलिए मार्केट जो सेलर होते हैं वो साइडवेज के दिनों में पैसा बनाते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज के हिसाब से महीने का 2%, 4%, 5% मिल जाए तो उनको काफ़ी है, लेकिन ऑप्शन बायर ऐसा नहीं होता है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ ऑप्शन सेलर के मुकाबले ऑप्शन बायर क्यों कमजोर है, क्योंकि ऑप्शन बायर को परसेंटेज का मैजिक ही नहीं मालूम। आप अगर ऑप्शन बायर हो तो मैं आपको एक ही कहना चाहूँगा कि आपका पैसा बनेगा, ऑप्शन सेलर से ज़्यादा आपका पैसा बनेगा, लेकिन आपको मार्केट में एक एनालिसिस चाहिए, एक मार्केट का नज़रिया चाहिए, मार्केट कब ट्रेंडिंग होने वाला है, कौन सी न्यूज आने वाला है, तब आप एग्रेसिव होकर मार्केट में आप कह सकते हो कि आज मेरा पैसा डबल होना चाहिए। रोज़ रोज़ मार्केट में डबल नहीं होता, आप डेली का 2% 3% भी लेके जाओ तो भी बहुत है। तो आप ऐसे कैलकुलेशन करके देखिए कि 1,00,000 मेरे पास है, रोज अगर मेरे कैपिटल 2% के हिसाब से बढ़ेगा तो आखिर के 30 दिनों में मेरा कैपिटल कितना बढ़ेगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि मार्केट में कैसे पैसे बनते हैं। आपको अगर रोज 1,00,000 रुपये 2-2,00,000 रुपये चाहिए तो ऐसा नहीं होता। तो चलिए आपको अगर पता चल गया होगा कि मार्केट में कैसे बनते हैं तो मैं आपको कहता हूँ कि आप ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर दोनों अलग चीज़ है। ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनके पास बड़ा कैपिटल होता है, ऑप्शन बायर के पास छोटा कैपिटल होता है। छोटे कैपिटल के साथ आप छोटा छोटा पैसा बनाते जाइए, और ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनके पास बड़ा कैपिटल होता है फिर भी वो चिल्लर जमा करते धीरे धीरे आगे बढ़ते। ऑप्शन सेलर ज़्यादातर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते, मतलब कोई भी ऑप्शन सेलर नहीं कर सकता, क्योंकि 90% लोग जो है हम वो रिटेल ट्रेडर है, उनके पास पैसा कम होता है, क्योंकि ऑप्शन सेल करने के लिए लगभग 1,00,000 को 1.5 लाख रुपये चाहिए, 1,05,00,000 रुपये चाहिए, समझ गए। 1.5 लाख में अगर जिसकी सैलरी 10,000 है 20,000 है वो 1.5 लाख रुपये के लिए कहाँ से लाएगा, ये मुमकिन नहीं है ना। तो ऐसा आप मत सोचिए कि सिर्फ ऑप्शन सेलर ही मार्केट में पैसा बना सकते हैं, आप परसेंटेज के हिसाब से सोचिए मार्केट में आपका भी पैसा बनेगा। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात साइकोलॉजिकल, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ऑप्शन बायर जो होते हैं उनका साइकोलॉजिकल जो डिस्टर्ब होते हैं वो जल्दी डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि जब आपको मार्केट में दिखता है कि आपका प्रॉफिट 5,000, 6,000, 7,000 या 8,000 ऐसे बनता हुआ आप देखते हो, लेकिन जब मार्केट एक पुलबैक लेता है आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती, वो रिवर्सल पकड़ता है, जब आपका वो 7,000, 5,000, 6,000 प्रॉफिट जब आपको दिखने लगता है 1,000, 500, तब आपका साइकोलॉजिकल आप डिस्टर्ब होते हो, क्योंकि आपको लगता है मैंने 6,000 अभी तो देखे थे, अभी मेरे 1,000 कैसे हो गए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ जब 6,000 थे आपका कैपिटल, जब प्रॉफिट जब 6,000 था तब आपको 3,000 तक प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि मार्केट कब किसी से आपसे बदलती है ये कोई नहीं जान सकता। जब आप 1,000, 6,000, 7,000 देखोगे फिर से 500, 1,000 देखने लगोगे तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल इतना डिस्टर्ब होगा कि आप रिवर्स ट्रेडिंग करने लगोगे। आप 6,000 देखते हो, जब 6,000 देखने के बाद आपका सिर्फ प्रॉफिट होता है 1,000, तब आप क्या कहते हो मेरा 6,000 बनना चाहिए मार्केट में, तब आप फिर से ट्रेडिंग करने लगते हो। जब ट्रेडिंग करने लगते हो 1,000 पे आपका चला जाता है, मतलब जीरो होता है, वो जीरो के फिर से माइनस 1,000, 2,000, -200 ऐसा कुछ तो होने लगता है, तब आपका साइकोलॉजिकल जो लेवल है वो बहुत ही गिर जाता है। लेकिन जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो ये पुलबैक से नहीं डरते, उनको पता है कि मार्केट कितना भी पुलबैक ले प्रीमियम तो डिके होने ही वाली है, जितना वो पुलबैक लेगा उसका उतना उनका प्रीमियम डिके होगा। इसलिए आप वो पुलबैक किस हिसाब से लेता है मार्केट, कौन से हिसाब से लेता है, आपको मार्केट का एक चार्ट बनाना चाहिए, टेक्निकल प्राइस एक्शन आपको मालूम होना चाहिए। तो ये जो बातें हैं और टेक्निकल प्राइस एक्शन की वगैरह जो अलग बातें हैं, मैं आपको साइकोलॉजिकल एक बात बताना चाहता हूँ कि जब आप 6-7,000 देखते हो, जब आपका प्रॉफिट सिर्फ 1,000 होता है तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है मार्केट में, छोड़ देना है मार्केट को वहीं पर, क्योंकि उस दिन आपका दिन नहीं था, इसे आपको समझना चाहिए। जब आज रिवर्स ट्रेडिंग करने लगोगे फिर वो 1,000 भी आपको नहीं मिलेंगे, जब वो 1,000 भी आपको नहीं मिलेंगे तब आप और साइकोलॉजिकल डिप्रेशन में जाओगे। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि मार्केट में थोड़ा आपको दिमाग से काम लेना है, थोड़ा पेशेंस से काम लेना है।